पार्ट नो, इसमें हमने द्वितीय व्यवसाय का विवरण देखा। द्वितीय व्यवसाय में कल हमने देखा लोहा इस्पात, लोहा से इस्पात कैसे बनाया जाता है और बृहत्तम उत्पादक देश इसके, तो बृहत्तम उत्पादक देशों में हमने देखा चीन, चीन का जैसे एकाधिकार है इस पे। फिर उसके बाद जापान, जापान के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद में इसमें रूस आदि देशों का स्थान आता है। तो लोहा इस्पात को हमने कल देखा कि लोहा इस्पात औद्योगिक इकाइयों का क्या आधारभूत उद्योग है, उसे धुरी उद्योग भी कहा जाता है। और इसी के अंतर्गत इनके क्षेत्र थे, हर देश के अलग अलग क्षेत्र, किन देशों क्षेत्रों में ही इसका विकास हुआ है, तो उनको हम मानचित्र के माध्यम से विस्तृत रूप से देखेंगे बाद में। तो आज हम अध्ययन करेंगे वस्त्र उद्योग का। वस्त्र उद्योग विश्व का प्राचीनतम उद्योग है, यानी वस्त्र उद्योग जब से मानव का क्रियाकलाप बढ़ा है, उसका ज्ञान बढ़ा है, तब से अस्तित्व में है। तो वस्त्र उद्योग शुरुआती तौर पे एक लघु कुटीर उद्योग की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता था, यानी मानव की एक मूलभूत आवश्यकता है, खाने के बाद में कौन सी वस्त्र, खाने के बाद में कौन सी आवश्यकता पूरी होनी चाहिए उसकी, वस्त्र की। तो एक मानव की आवश्यकता खाने के बाद में वस्त्र की थी, तो इस वजह से ये प्राचीन समय में लघु और कुटीर उद्योगों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता था। और प्राचीन समय में इसको बनाया कैसे जाता था, कताई के माध्यम से हस्तनिर्मित, यानी हस्तनिर्मित कारीगरों के द्वारा, जो कुशल कारीगर होते थे इसमें, उनके द्वारा कताई के माध्यम से, चरखे के माध्यम से, गांधी जी का चरखा होता था उसके माध्यम से बनाया जाता था। पर जो आधुनिक समय है उसमें प्रतिस्पर्धा का समय है, औद्योगिक क्रांति के बाद में सबसे पहले यूरोप में इस उद्योग का विकास हुआ, और उनके सामने उनकी तकनीक के सामने यह उद्योग पिछड़ गया, कला वाला उद्योग पिछड़ गया। यानी वहाँ पर जो निर्मित माल होता था वो सस्ता भी होता था और अच्छी क्वालिटी का भी होता था, इस वजह से इस उद्योग का पतन होने लगा। सूती वस्त्र उद्योग मुख्यतः औद्योगिक देशों में उच्च कोटि का विकसित उद्योग हो गया है। आधुनिक वस्त्र निर्माण का जन्म औद्योगिक क्रांति के दौरान ब्रिटेन में हुआ, ब्रिटेन से यह उद्योग विश्व के अन्य देशों में फैला। धागे से कपड़े की बुनाई एक प्राचीन कला है, क्या है, एक प्राचीन कला है। कपड़ा, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन का प्रयोग वस्त्र निर्माण में होता है, यानी ये क्या है, कच्चा माल है। कपास, ऊन, सिल्क, जूट, पटसन, ये सभी इनके माध्यम से ही इनको तैयार किया जाता है, पक्का माल बनाया जाता है। पक्के पर्सन का प्रयोग वस्त्र निर्माण में होता है। उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जा सकता है। रेशे वस्त्र उद्योग कच्चे माल है, यानी इन सभी से क्या बनाए जाते हैं, रेशे बनाए जाते हैं। रेशे प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकते हैं। प्राकृतिक रेशे उन प्राकृतिक रेशे जैसे रेशे, ऊन, सिल्क, कपास, लिनन, जूट से प्राप्त किए जाते हैं। मानव निर्मित रेशे नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक और रेयान शामिल है। देखो, तो हम वस्त्र उद्योग को इनको दो प्रकार से देख सकते हैं, इनके कच्चे माल को। पहला है प्राकृतिक रेशे, प्राकृतिक रेशे यानी प्रकृति से प्राप्त होते हैं, ऊन, सिल्क, कपास, लिनन और जूट, यानी इनके बने हुए कपड़े आमतौर पर क्या होते हैं, महंगे होते हैं। ये प्राकृतिक रेशे होते हैं, यानी कच्चा माल प्राकृतिक हो तो प्रकृति पर निर्भर होता है वह उद्योग। दूसरा मानव निर्मित रेशे नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, रियान, ये क्या है, मानव निर्मित रेशे है। पहले के समय में जब औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी उस समय तकनीक और हस्तशिल्प
निर्मित कार्य किया जाता था, यानी हाथों से कताई की जाती थी और हथकरघों से कपड़ा तैयार किया जाता था, धागा तैयार किया जाता था उसका। अब हम इनको कच्चे माल के आधार पर निर्भर, यानी कच्चे माल पर निर्भर उद्योगों को अलग अलग प्रकार से बांट सकते हैं वस्त्र उद्योग में। तो इनमें हम देख सकते हैं सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग, पटसन या जूट उद्योग। तो सूती वस्त्र उद्योग, पहला है सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग वस्त्र उद्योग में सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग सभी वस्त्र उद्योगों में सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है, यानी सबसे अधिक फलापूर्ण उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में क्या लिया जाता है? कपास लिया जाता है। कपास के अलावा इसके लिए कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। विद्युत चालक के लिए सस्ती विद्युत की आवश्यकता होती है। वो किससे निर्मित होगी? इसमें जल से निर्मित होगी। अच्छी सरकारी नीतियाँ होनी चाहिए, कुशल श्रमिक हो और उष्ण या आर्द्र जलवायु हो इसके लिए, तब इस उद्योग का विकास अधिक हो पाता है। विश्व के परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे इस प्रकार का उद्योग किन देशों में अधिक विकसित है। तो इस प्रकार का उद्योग विश्व में अमेरिका, यूरोपीय देश, इन जो विकसित देश है उनमें अधिक विकसित हुआ है। यह शुरुआती तौर पर क्या था? कुटीर उद्योग के रूप में सूती धागा तथा सूती वस्त्रों का निर्माण सभी उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय देशों में होता था। चीन, भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान आदि प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक देश है। हम सारणी के माध्यम से देखें तो सबसे अधिक सूती वस्त्र उत्पादक यानी कौन करता है? चीन। कितना प्रतिशत करता है? 26% सूती वस्त्र का उत्पादन करता है चीन। फिर उसके बाद में भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ब्राजील, तुर्की, दक्षिण कोरिया, इटली, मिस्र, जापान आदि देश सम्मिलित किए जाते हैं। चीन का सूती वस्त्र उत्पादन में प्रथम स्थान है। इसके प्रमुख जो नगर है, चीन के प्रमुख नगर है शंघाई, कैंटन, सिंगटाओ, टेंटिशिन, शानतुंग, डेरारिन आदि प्रमुख सूती वस्त्र केंद्र है। भारत का सूती वस्त्र उत्पादन में चीन के बाद द्वितीय स्थान है, यानी भारत का चीन के बाद में कौन सा स्थान है? सूती वस्त्र में द्वितीय स्थान है। भारत का सूती वस्त्र उत्पादन में चीन के बाद द्वितीय स्थान है। भारत में मुंबई, अहमदाबाद, सोलापुर, नासिक, सूरत, बड़ौदा, नागपुर, इंदौर, वारंगल, ग्वालियर, कोलकाता, दिल्ली, कानपुर, भीलवाड़ा, ब्यावर, पाली, कोयम्बटूर, मदुरई, सेलम, बेंगलोर आदि मुख्य केंद्र है इसके सूती वस्त्र उद्योग के। यानी भारत में सूती वस्त्र उद्योग के लिए पहले अनुकूल दशाएं कहाँ स्थित थी? महाराष्ट्र और गुजरात के पास सिर्फ। लेकिन अब कृत्रिम तरीके से आर्द्र हवाएं, आर्द्र मौसम बनाया जाता है, इस वजह से ये उद्योग और जगह भी स्थापित हुआ है और जगह भी इसका विकास हुआ है भारत में। संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यू इंग्लैंड, मध्य अटलांटिक राज्य तथा दक्षिण अफ्रीकन राज्यों में सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। वर्तमान में इस उद्योग को कृत्रिम रेशे से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है, यानी जो कृत्रिम रेशे हैं इनसे प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है इनको, क्योंकि ये क्या है? महंगा है और इसका बना हुआ कपड़ा क्या होता है? सस्ता होता है। इस वजह से जो कृत्रिम रेशे है उससे प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है इसे, जिसके कारण अनेक देशों में इसमें नकारात्मक प्रवृत्ति देखी जा रही है। यह उद्योग विकसित देशों की तुलना में कम विकसित देशों में स्थानांतरित हो रहा है जहां श्रम लागत कम है। यानी इस उद्योग
का विस्थापन किन देशों में हो रहा है, जिन देशों में अधिक जनसंख्या है और इसके अनुकूल वहाँ का मौसम है, जलवायु है, उन देशों में इस उद्योग का विस्थापन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें अधिक श्रम शक्ति की आवश्यकता होती है और अधिक श्रम शक्ति विकसित देशों में क्या होती है, ज्यादा खर्चीली होती है, यानी उनको ज्यादा पगार देनी होती है, इस वजह से सस्ता श्रम रखा जाता है। सूती वस्त्र उद्योग के बाद से दूसरा उद्योग आता है ऊनी वस्त्र उद्योग। ऊनी वस्त्र उद्योग सूती वस्त्र उद्योग के बाद में विश्व में कौन सा स्थान है? इसका वस्त्र उद्योगों में द्वितीय स्थान है, यानी ऊनी वस्त्र सूती वस्त्र उद्योग के बाद में सबसे अधिक वस्त्र उद्योगों में कौन सा उद्योग है? ऊनी वस्त्र उद्योग। ऊनी वस्त्र उद्योग दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। ऊनी वस्त्र उद्योग का तेजी से विकास 17वीं शताब्दी के बाद इंग्लैंड में आरंभ हुआ और इसका सबसे अधिक विकास जापान के अंतर्गत हुआ, जब वहाँ पर आधुनिक मशीनों से यंत्रों का उत्पादन मशीनों के द्वारा उत्पादन कार्य किया जाने लगा। यह सूती वस्त्र की तुलना में 10-15% भाग ही है इसका, पर मूल्य की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण उद्योग है, यानी इससे सूती वस्त्र उद्योग से ऊनी वस्त्र उद्योग के जो कपड़े जो भी माल तैयार माल होता है वो अधिक महंगे होते हैं, यानी इनसे अधिक आय प्राप्त होती है। तो ऊनी वस्त्र सूती वस्त्र उद्योग से अधिक खर्चीला उद्योग है, परंतु मूल्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण उद्योग है। ऊनी उद्योग की अवस्थिति में बाजार और कच्चे माल की सुगम प्राप्ति सबसे अधिक है, कुशल श्रम आवश्यक है इसके लिए, स्वच्छ जल और विद्युत शक्ति, सरकार की नीतियाँ, अच्छा उच्च कोटि की तकनीक और यातायात आदि इस उद्योग के विकसित होने के कारक है, यानी इस उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। इस प्रकार के ये कारक अगर प्राप्त ना हो इन क्षेत्रों में तो इस प्रकार के उद्योग विकसित नहीं होंगे। सस्ता श्रम और कुशल श्रमिक शक्ति के साधन, जल आपूर्ति, यातायात, तकनीकी ज्ञान, तकनीकी मशीन, इन सभी से इस उद्योग का विकास हुआ है। अब हम इसका वितरण देखें विश्व में, तो इसका वितरण अलग अलग प्रकार से है। ऊनी वस्त्र उद्योग में प्रथम स्थान चीन का है, दूसरा इटली, जापान, तुर्की, जर्मनी, रूस, राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, पोलैंड, मेक्सिको, लुथानिया, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, चेक गणराज्य, रोमानिया, पुर्तगाल, ऐसे आदि देश है। विश्व का लगभग 2/3 ऊनी वस्त्र उद्योग यूरोप में केंद्रित है। वर्तमान समय में इस उद्योग का विकास 40 से अधिक देशों में हो गया है। रूस, चीन, जापान, जर्मनी, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, रोमानिया, पोलैंड, ग्रेट ब्रिटेन आदि प्रमुख ऊनी उत्पादक देश है। दक्षिण गोलार्ध के प्रमुख ऊन उत्पादक देशों में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, यूरोप, इन देशों में मात्र 5% ऊनी वस्त्र का उत्पादन होता है, क्योंकि है उष्ण जलवायु में विरल जनसंख्या वाले देश है, यानी यहाँ पर सस्ता श्रम भी उपलब्ध नहीं है और इसके अनुकूल जलवायु भी उपलब्ध नहीं है, यानी आर्द्र जलवायु होनी चाहिए ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए। इस वजह से इन देश ऊनी वस्त्र उद्योग का जो दक्षिण गोलार्ध में स्थित देश है उन देशों में विकास नहीं हो पाया है। दूसरा कारक है कि वहाँ पर इसके तकनीकी ज्ञान उपलब्ध नहीं है, श्रमिक नहीं है वहाँ पर, क्योंकि जनसंख्या कम है तो वहाँ पर क्या होगा, श्रमिक महंगा होगा, श्रम महंगा होगा वहाँ पर उन क्षेत्रों में। ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल जैसे किन से प्राप्त किया जाता है? ऊन भेड़ों से, जैसे इसके लिए मेरिनो भेड़ प्रसिद्ध है। ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल मेरिनो भेड़ से अधिक प्राप्त किया जाता है, उसका जो उसके द्वारा ऊन प्राप्त की जाती है वो उत्कृष्ट ऊन होती है, यानी अच्छी किस्म की ऊन होती है मेरिनो भेड़ के द्वारा। रेशम वस्त्र उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग,
रेशमी वस्त्र उद्योग विकास सर्वप्रथम चीन में कुटीर उद्योग के रूप में हुआ। रेशमी वस्त्र उद्योग का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ? चीन के अंदर हुआ, वो भी किस रूप में? कुटीर उद्योग के रूप में। देखो, इसके लिए कच्चा माल प्राप्त किया जाता है। शहतूत का एक वृक्ष होता है, उसके चारों तरफ कोए नामक एक कोए चक्कर लगाता है। कोए नामक पक्षी होता है, छोटा सा कीड़ा होता है, वह इसके पेट के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है इसके चारों तरफ। तो चक्कर काटने के साथ साथ में यह अपने मुंह से क्या निकालता है? लार निकालता है। लार निकालने के साथ साथ ही क्या करेगा? अपने शरीर के ऊपर ही उसको चारों तरफ लपेटता रहेगा। तो लपेटने के बाद ये काफी, जब इसकी क्षमता समाप्त हो जाएगी तब ये गिर जाएगा। गिरने के बाद इसे पानी में उबाला जाएगा। उबालने के बाद जब इसके चारों तरफ ये गीला गीला चिपचिपा सा होता है, वो कठोर हो जाता है और वह धागे का रूप ले लेता है और उसे अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार से कोई से इसका कच्चा माल प्राप्त किया जाता है, रेशमी वस्त्र का। यह एक सीमित उद्योग है, यानी सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र उद्योग की तुलना में यह कम क्षेत्रों में विकसित हो पाया और इनकी तुलना में इसका विकास भी कम हुआ है। उद्योग यहीं से यह उद्योग विश्व के अन्य देशों में विकसित हुआ है। स्वचालित कर्गों के आविष्कार के साथ ही इसने फैक्ट्री उद्योग का रूप धारण कर लिया। यानी कर्गों का मतलब जो चरखे होते थे, वह पहले व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता था, अब वह क्या हो गए? मशीनों के द्वारा स्वचालित चलने लगे हैं। तो उनके लिए श्रमिकों की आवश्यकता कम होगी और खर्चीला कम होगा यह उद्योग पे। इसने फैक्ट्री उद्योग का रूप धारण कर लिया है। रेशमी वस्त्र प्रारंभ से ही धनी लोगों के विलास की वस्तु रहा है। यह उद्योग सूती वस्त्र उद्योग तथा ऊनी वस्त्र उद्योग की तुलना में अधिक सीमित एवं केंद्रित उद्योग है। यानी इससे बने हुए कपड़े क्या होते हैं? अच्छे होते हैं, उच्च कोटि के होते हैं और पहनने में सहूलियत होती है इनको। इस वजह से यह अमीर व्यक्तियों के लिए विलासतापूर्ण जीवन जीने के लिए इन कपड़ों की आवश्यकता होती है। यानी यह महंगे अधिक होते हैं इनसे। प्राकृतिक रेशम, यानी इसका निर्माण कैसे करते हैं? प्राकृतिक रेशम बोयोफ्यूजम नामक कीड़े की लार से निकले पदार्थ से प्राप्त होता है। शहतूत के पत्तों पर पलने वाला यह कीड़ा अपने मुंह से निकले लस लस से पदार्थ को अपने शरीर के चारों तरफ लपेटता है। इस स्थिति में इसे कोए कोकून कहते हैं, यानी इसे कोए कहते हैं इस कीड़े को। पूर्ण विकसित कोए को पानी में उबालकर उन पर लपटे रेशम को उतार कर अलग धागे के रूप में लपेटा जाता है। इसके बाद रेशम के कपड़े बनाए जाते हैं। स्पष्ट है कि रेशमी वस्त्र उद्योग के तीन चरण हैं। कोए का उत्पादन, यानी कोए जो कीड़ा है उसका उत्पादन किया जाता है। कोए से रेशमी धागा लपेटना, यानी इसे उबाल कर इससे रेशमी धागा प्राप्त किया जाता है। और अंतिम स्टेज है रेशमी वस्त्रों की बुनाई और फिर इससे कपड़े बनाए जाते हैं। यानी कोए का उत्पादन किया जाएगा, उत्पादन के बाद में उससे रेशम प्राप्त किया जाएगा, रेशम प्राप्त करने के बाद उससे वस्त्र निर्माण का कार्य किया जाएगा। अब इसका विश्व वितरण देखे हम कोए रेशमी वस्त्र उद्योग का, तो इस विश्व में प्राकृतिक कच्चे रेशम का उत्पादन करने वाले देशों में जापान लगभग 50%, चीन 28%, रूस 6% तथा भारत 6% रेशम उत्पादित करते हैं। रेशमी वस्त्र उद्योग मुख्यतः मांग में बाजार से प्रभावित होते हैं। रेशमी वस्त्र काफी महंगे होते हैं और यह उद्योग उन्हीं देशों में पनपता है जिनमें पर्याप्त संख्या में कुशल श्रम हो और उच्च तकनीक उपलब्ध हो। उन क्षेत्रों में उद्योग का विकास
अधिक होता है। जैसे इस उद्योग का विकास किन किन देशों में हुआ है, विश्व में हम देखें तो जापान, जापान कहाँ पर है, रूस के दक्षिण पूर्वी हिस्से में, यानी इस तरफ, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, चीन, ताइवान, जर्मनी, इंग्लैंड तथा भारत रेशमी वस्त्र के प्रमुख निर्माता है। पूर्व एशिया के देशों में, यानी पूर्वी एशिया कौन सा है, इस तरफ का एशिया, पूर्वी एशिया के देशों में, एशिया के देशों में विश्व का लगभग 85% कच्चा रेशम तैयार किया जाता है, यानी 100 में से कितना, 85% कच्चा रेशम तैयार किया जाता है इन क्षेत्रों में, जबकि यह देश विश्व का 35% रेशमी वस्त्र ही बनाते हैं। जापान के यामागाता, फुकुशिमा, निगिता, किंकी तथा क्योटो रेशमी वस्त्रों की बुनाई के प्रमुख केंद्र है, यानी जो एशिया के 85% उत्पादक देश है उनमें रेशमी वस्त्र का उत्पादन कितना किया जाता है, सिर्फ 35%, बाकी कौन करेगा, जो विकसित देश है वह निर्माण करेंगे इस वस्त्र का, रेशमी वस्त्र उद्योग का। चीन के रेशम उद्योग प्राचीन काल से विकसित है। प्राचीन समय में चीन का रेशम इस तरह मार्ग से यूरोप के देशों को पहुंचता था, इसी मार्ग को इतिहासकार रेशम मार्ग के नाम से पुकारते हैं, यानी इसी मार्ग को क्या कहा जाता है, रेशम सिल्क रूट, जो हमारा भारत से भी गुजरता है, उसे शंघाई को जाओ प्रमुख रेशम उद्योग के केंद्र है, एक नाथुला चरवा है और एक जम्मू कश्मीर की तरफ से, दोनों तरफ से इस मार्ग में मिलते हैं भारत के लोग, तो भारत में भी इसे रेशम रूप कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में रेशमी वस्त्रों के उत्पादन में पेंसिल्वेनिया राज्य सबसे आगे है। पेटरसन नगर दुनिया का सबसे बड़ा रेशमी वस्त्र उत्पादक नगर है, जिसे अमेरिका का रेशम नगर भी कहा जाता है। फ्रांस के रोन घाटी में स्थित लियोन्स नगर रेशमी वस्त्र के उत्पादन करने वाला प्रमुख केंद्र, भारत में कोलकाता, मैसूर, बेंगलुरु, चेन्नई प्रमुख केंद्र है अगला। तो इस प्रकार से इस उद्योग का वितरण है देश और विश्व के अंतर्गत। तो यह उद्योग क्या है, महंगा उद्योग है, और इस उद्योग के लिए कच्चा माल किससे तैयार किया जाता है, कोयले से। कोयले से कैसे तैयार करेंगे, पहले कोयला कीड़ा है को पाला जाएगा, उसके बाद में उसके द्वारा वह चक्कर काटेगा, चक्कर काटने पर जब वह चिपचिपा पदार्थ छोड़ेगा तो अपने चारों तरफ लपेटता रहेगा, लपेटने के बाद जब उसकी क्षमता खत्म हो जाएगी तब उसे उबाला जाएगा, गर्म पानी में उबालने के बाद उसे लपेट लिया जाएगा, लपेटने के बाद वस्त्र बनाए जाएंगे, रेशम प्राप्त हो जाता है उसके बाद उसे। अगला उद्योग है इसमें जूट वस्त्र उद्योग। जूट उद्योग से हम क्या क्या बना सकते हैं, इसका कच्चा माल कौन सा होता है, जूट ही होता है, यानी इससे हम कच्चा माल प्राप्त करते हैं और तैयार माल क्या बनाते हैं। जूट उद्योग का संबंध टाट, बोरी, जूट के कपड़े, मोटी दरियों के उत्पादन से है। जूट उद्योग से पैकिंग के लिए सस्ती, मजबूत व टिकाऊ सामग्री उत्पादित की जाती है। वर्तमान में उच्च कोटि का जूट को कपास या ऊन के साथ मिलाकर उत्तम गुणवत्ता के वस्त्र और अन्य उत्पाद बनाए जाते हैं। जूट की कृषि में भारत और बांग्लादेश अग्रणी है, जहाँ ब्रह्मपुत्र घाटी व गंगा के डेल्टा भाग में इसकी खेती की जाती है। यह उद्योग भारत, बांग्लादेश, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, स्पेन, स्वीडन, जापान, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, थाईलैंड आदि देशों में विकसित है। भारत और बांग्लादेश से बनी वस्त्रों के प्रमुख निर्यातक देश है, यानी इनमें भारत और बांग्लादेश क्या है, प्रमुख निर्यातक देश है।
डेल्टा सप्ताह है, इसमें तो डेल्टा क्या होता है, नदी का मुहाना होता है जहां पर नदी चापाकार में मिलती है, जो आपको बताया था खादर बांगर प्रदेश वहां पर तराई, उसी का भाग डेल्टा ही प्रदेश है। तो बस जूट वस्त्र उद्योग से हम टाट बोरी आदि वस्तुएं बनाते हैं। उसके अलावा अभी उद्योग का रेशमी और सूती वस्त्र में भी मिलावट होने लगी है। दूसरा जो गद्देदार गद्दे होते हैं उनमें भी इसकी मिलावट कर दी जाती है ताकि वो कठोर हो सके। इस प्रकार जूट के लिए कच्चा माल अधिकतर कहाँ से प्राप्त किया जाता है, भारत और बांग्लादेश से। तो पार्ट 9 हमारा समाप्त हुआ इसी के साथ और द्वितीय व्यवसाय समाप्त हुआ है। तो द्वितीय व्यवसाय में हम तीन वस्तुओं को सम्मिलित करते हैं, यानी प्राकृतिक प्रकृति से प्राप्त वह वस्तुएं जिन्हें मानव उपयोग के लिए उपयोगी बनाया जाता है या उनके प्राकृतिक रूप को परिवर्तन कर दिया जाता है। वह वस्तुएं कौन से उद्योगों में सम्मिलित होगी, द्वितीय व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित की जाएंगी। द्वितीय व्यवसाय प्राथमिक व्यवसाय से अधिक विकसित देशों में स्थापित किया जाता है। द्वितीय व्यवसाय कच्चे माल पर आधारित होता है, यानी वह प्राकृतिक जो वस्तुएं होती है उन पर ही आधारित होता है। द्वितीय व्यवसाय के अंतर्गत हम सम्मिलित करें विनिर्माण उद्योग, मुख्य उद्योग है इसके अंतर्गत। द्वितीय व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है विनिर्माण उद्योग, एक महत्वपूर्ण उद्योग है इसका। द्वितीय व्यवसाय के अंतर्गत हम और कुटीर उद्योग इनको भी सम्मिलित करते हैं, इन्हीं के अंतर्गत रखते हैं। निर्माण ऊर्जा उत्पादन प्रसंस्करण आदि इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं, यानी ऊर्जा के संसाधन प्रसंस्करण यानी उसे तकनीक के माध्यम से और अच्छा बनाया जाता है। ये सभी क्रियाएं द्वितीय व्यवसाय में सम्मिलित की जाती है।